ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए बोट ने अपने इंस्पिरेशन एप्पल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया। 2015 तक बोट यूएसपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और 2016 में ऑडियोवेयर के सेगमेंट में एंट्री की। 35% का मार्केट शेयर सिर्फ 5 साल में एक्वायर किया। पहले यूज किया इन्होंने अफोर्डेबिलिटी। 2015 तक जितने भी ऑडियोवेयर के सेगमेंट के प्रोडक्ट्स थे बहुत कॉस्टली थे, बोट ने उन्हें अफोर्डेबल बनाया। सेकंड, बोट ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज लाइफस्टाइल ब्रांड। क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स को एज ब्रांड एम्बेसडर यूज किया और अपने प्रोडक्ट को लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने की कोशिश करी। अब आज के दिन बोट के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन आने वाले समय में हो सकता है Amazon। अगर आप समझ चुके हैं क्या कॉम्पिटिशन है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और बोट की स्ट्रैटेजी पसंद आई तो लाइक करके मोटिवेशन करना मत भूलिएगा।